हेलो फ्रेंड्स, आपण मानू कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास को स्वागत। तो फ्रेंड्स, एटा हूँ चैन नंबर क्लास। तो आज आम एमएस वार्ड उपरे डिटेल्स डिस्कशन करिबा। पार्ट वन रे 31 पर्यंत आम डिस्कशन करिथिले। तो आज लास्ट पार्ट आपणकर 30+ क्वेश्चन आम डिस्कशन करिबा एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एगुडा को निहाति भाबे भिडियो टिकु मूलरु शेष पर्यंत देखंतु एवं प्रथम थर जदि देखुछंती निहाति भाबे सब्सक्राइब करंतु। तो देखंतु प्रथम प्रश्न अछि, ब्लिंकिंग पॉइंट व्हिच शोज योर पोजिशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड। ब्लिंकिंग पॉइंट आपणकर जो ब्लिंक होतबो आपण गोटे टेक्स्ट लिखिदेले, सपोज आपण लिखुं शॉर्ट लिखिले, शॉर्ट पर जो लिखे यही जगह जो ब्लिंकिंग हुए तो सेटा कौन, कर्सर, ब्लिंकर, पोजिशन, स्टेट्स एंड प्लेस अच्छी। तो यहाँ आपणकर कौन किए ब्लिंकिंग हुए, कर्सर ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग हो थाए। ब्लिंकिंग माने कौन, अप डाउन जोटा होथिबो लिभुथिबो देखा जाउथिबो सेटा होची ब्लिंकिंग। तापर देखिबा, आफ्टर सिलेक्टिंग द रिप्लेस ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेनू द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। जदि आपण कोन करिवे एडिट मेनू, जो एडिट थिबो एडिट मेनू रु रिप्लेस ऑप्शन को जदि चूज करिवे ताहेले क्यों डायलॉग बॉक्सटा देखा जिवो, रिप्लेस, फाइंड, फाइंड एंड रिप्लेस, एडिट, तो कोटा देखा जिवो सेटा यार करेक्ट आंसर हेउची आपणकर फाइंड एंड रिप्लेस। जदि आम रिप्लेस ऑप्शन को चूज करवा ताहले फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्सटा देखा जिवो। तापर 34 क्वेश्चन देखंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन अलाइन द टेक्स्ट ऑन बोथ द साइड्स लेफ्ट एंड राइट ऑफ द मार्जिन। माने क्यों जस्टिफिकेशनटा टेक्स्ट को अलाइन करिवो लेफ्ट रे एवं राइट रे, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन कहुची, तो सेटा आपणकर करेक्ट ऑप्शन हेबो जस्टिफाए। कौन हेबो जस्टिफाए कले टेक्स्टटा आपणकर बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट रे सेटा अलाइन हे जीवो। आईबीपीएस क्लार्क 2012 रे एटा आसीची देखंतु। तापर नेक्स्ट देखिबा, ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इनसर्ट डैश इन डॉक्यूमेंट। ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इनसर्ट डैश इन डॉक्यूमेंट, माने टेक्स्ट टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट रे हे परिबो ना ग्राफिक्स इन डॉक्यूमेंट रे हे परिबो, किमा आइदर दुईटा हेबो, माने आइदर गोटे हेबो जोटा भी हो, माने टेक्स्ट किंबा ग्राफिक्स बोथ वन एंड टू उभय रे ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज, माने ऑटो टेक्स्ट आम बोथ रे यूज करि परिबा, टेक्स्ट रे भी यूज करि परिबा, ग्राफिक्स रे भी यूज करिबा, सेति माने एटा कोन हो जइबो बोथ वन एंड टू हे जइबो करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट देखिबा 36 क्वेश्चन देखिबा, अबाउट मार्जिन, मार्जिनटा कोन, एटा आरबीआई ग्रेड 2014 रे आसी। तो यहाँ डिटेल मुझे पढ़ू ना, खाली आंसर आपको कहीदे। मार्जिन है ये कौन, मार्जिन विषय कौन देखिए देखा, ऑल सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट नीड टू हैव सेम मार्जिन। माने सब जगह गोटे सेक्शन जोटा लिखे सब जगह सामान मार्जिन दरकार कि सेटा कहूँ ना से दरकार नुह, कौन होता है डिफरेन्ट सेक्शन कैन हाव डिफरेन्ट मार्जिन, माने डिफरेन्ट सेक्शन डिफरेन्ट मार्जिन निहाती भाव रहिबो। तापर 37 को जीवा, IBPS प्योर भी पड़ी क्लोर भी आसाला, व्वेन एंटरींग टेक्स्ट विथ ए डॉक्यूमेंट दि एंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट दि एंड ऑफ एवरी, व्वेन एंटरींग टेक्स्ट विथ इन ए डॉक्यूमेंट, व्वेन एंटरींग टेक्स्ट विथ इन ए डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कर लिखुं दि एंटर की इज नॉर्मली, एंटर की के प्रेस कर एट दि एंड ऑफ एवरी, माने लाइन रे प्रति लाइन पर एंटर की करते ना पाराग्राफ पर ना सेंटेंस परे ना फाइल परे ना वार्ड परे, तो आमे साधारण तो लाइन परे करी था, माने गोटे लाइन लिखिले माने एत दूर जो आप लिखार अच्छे तापर आपको एंटर करेंगे, माने सेंटेंस जो कहे कौटी दुईटा वार्ड में सेंटेंस हो, मन कर आई एम गोईंग सपोज तीन टा वार्ड में गोटे सेंटेंस होगा, तो ये बेले तो आम करवा ना आमको आउ टे लिखा पड़ो, तो यही पर्यंत लिखला पर आम एंटर करवा, तो से गोटे लाइन रे एंटर करा जाए। तापर देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिलीट ए सेंटेंस फ्रॉम द डॉक्यूमेंट यू वुड यूज, माने डिलीट करने गोटे डॉक्यूमेंट रु गोटे सेंटेंस को डिलीट करने कौन करेंगे, हाइलाइट एंड कॉपी, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, सिलेक्ट एंड पेस्ट, हाइलाइट एंड डिलीट, तो यहाँ ऑप्शन 4 हे, प्रथम हाइलाइट करदे माने सिलेक्ट करवापर ताक डिलीट करवा। 39 सॉफ्ट पेज ब्रेक्स, सॉफ्ट पेज ब्रेक्स आर इंड्यूस्ड बाय द यूजर आर इंसर्टेड बाय वर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पेज कैन बी डिलीटेड। तापर अच्छी
आपणकर आर दि नोन टू शो एंड पाराग्राफ ए आर दि एंड आर दि वन टू शो एंड 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 अ पाराग्राफ नोन अफ दि एबो तो यहाँ करेक्ट आंसर होपर ऑप्शन टू। ऑप्शन टू कौन मैंने सब पेज आर इनसर्टेड बाय वर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पेज। तापरे 41 को देखिबा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक अच्छे निहती भाव मूल रू शेष पर्यटन देखु 40 देखा व्वेन वर्किंग इन दि पेज ब्रेक प्रिव्यू यू कैन पेज ब्रेक प्रिव्यू रे जदि आप व्वेन वर्किंग इन दि पेज ब्रेक प्रिव्यू यू कैन कौन कर पेज ब्रेक प्रिव्यू रे काम कले कौन देखिपारे व्यू एक्जाक्टली व्वेर इच पेज ब्रेक अकर्स एड और रिमूव पेज ब्रेक चेंज दि प्रिंट एरिया ऑल ऑफ दि एबो नोन ऑफ दि सो मैंने कोटा भी नुह तो यहाँ कौन हम यहाँ आपणकर सबू हम ये जोटा भी दिखाई मानने पेज ब्रेक जब कम कले व्यू एक्जाक्टली व्वेर इच पेज ब्रेक मानने क्यों जगह पेज ब्रेकिंग हम से देखिपारे एड और रिमूव पेज ब्रेक्स एड भी करेंगे रिमूव करेंगे चेंज दि प्रिंट एरिया से ऑप्शन फोर हेपर देखा 41 इन वर्ड यू कैन फोर्स ए पेज ब्रेक वर्ड रे केना करी केमिति आपण पेज ब्रेक करि परिबे आईबीपीएस पीओ 2011 रो क्वेश्चन यार करेक्ट आंसर खाली हमें देखि देबा बाय यूजिंग द इनसर्ट और सेक्शन ब्रेक एटा करी कि आपण पेज ब्रेक करि परिबे बाय यूजिंग द इनसर्ट और सेक्शन ब्रेक। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जेबा 42 व्हेयर यू कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार टा को जगह रे थाए एमएस वर्ड स्क्रीन रे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार को जगह रे थाए तो यार करेक्ट आंसर हो छी आपनकर एटा आमे डिस्कशन करबा ने खाली पढ़ी देबा ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार रे आपनकर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार टा थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इन एमएस वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ अलाइनमेंट माने बुझु छथि आपण गोटे लेखिले केमिति सेटा सजे होची माने ए लेफ्ट साइड रे सजे हला ना ए राइट रे सजे होची ना मझी रे सजे होची माने आपणकर पाराग्राफटा सेटा अलाइनमेंट तो केमिति थाए डिफॉल्टटा केमिति थाए डिफॉल्टटा लेफ्ट अलाइनमेंट रे थाए। तापरे देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन कोटा माने रूलर ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन रे न थाए लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट सेंटर इंडेंट ऑल ऑफ दिज 44 क्वेश्चन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट देखंतु एटा सेंटर इंडेंट न थाए। तापर 45 को देखिबा यू स्पेसिफाई द सेव डिटेल्स ऑफ योर फाइल इन द माने आपण केमिति सेव करि परिबे एटा करेक्ट आंसर होउछि आपणकर सेव केमिति करा जाय सेव एज फाइल ऑप्शन 1 हेबो सेव एज ए फाइल डायलॉग बॉक्स सेव एज करिके आपण सेव करि परबे। तापर देखिबा टू सेव एन एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विथ ए डिफरेंट फाइल नेम क्लिक माने अलगा ना जदि देबार अछि जोटा आपनकर एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट माने जोटा ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अछि तार जदि ना चेंज करबा को चाहिबे कोन करबे सेव बटन ऑन द स्टैंड माने विद इन द डिफरेंट फाइल को जगह रे क्लिक करबे माने अलगा ना जदि देबार जे को जगह रे क्लिक करबे सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार सेव ऑन द फाइल मेनू तापर सेव एज बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार सेव एज ऑन द फाइल मेनू नोन ऑफ दिस तो एटा करेक्ट आंसर आपनकर हेउची सेव एज ऑन द फाइल मेनू रे चूज करिके नुवा ना दे पारिबे। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट आई एसबीआई पीओ रे पढिसि केते प्रकार गोटे डॉक्यूमेंट को सेव करा जाय पारिबो सेटा होची करेक्ट आंसर 3 माने आपण देखत कंट्रोल एस करिके गोटे सेव करा जाय तापर F12 को टच करिके गोटे प्रेस करिके करा जाय पारिबो एवं फाइल को जाई कि फाइल मेनू को जाई कि आपण क्लिक करिके से डॉक्यूमेंट रो राइट साइड रे क्लिक करिके सेव करिबि मध्य पारिबि जो ऑप्शन आसीबो सेव एज सेव आसीबो सेटा मध्य करिके करि पारिबे तो तीन प्रकार आपण सेव करि परछन्ति गोटे डॉक्यूमेंट को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वर्ड हैज ए लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड टाइपिंग स्पेलिंग कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर्स दैट डैश कैन डिफेक्ट एंड करेक्ट माने गोटे आगुरु वर्ड हैज लिस्ट ऑफ आगुरु केतेटा वर्ड थिबो आपण जदि स्पेलिंग लेखुछन्ति कि मा कैपिटलाइजेशन करुछन्ति माने कैपिटल लेटर जो लेखुछन्ति ग्रामर एरर सेटा केमिति से वर्डटा डिफाइंड करिथाय दैट डैश कैन डिफेक्ट एंड करेक्ट तो एटा ऑटो करेक्ट दे देले से आपण जदि भूल लेखिले मध्य से सेटा को ठीक करिवो
वर्ड हैज ए लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड टाइपिंग स्पेलिंग कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर दैट डेक्स कैन डिफेक्ट एंड करेक्ट। आप जब भूल लिखले तले एमती प्रकार गोटे गारे आसे देखिए गोटे भूल लिखिले मैंने यही आपणकर एक प्रकार गार आसो तार तो सेटा भूल लिखिंट तो सेटा ऑटो करेक्ट थाए जोटा कि आपणकर भूल लिखिले सेटा डिफाइन करिथाय। हुएर हेडर्स एपियर हेडर एंड फुटर जोटा थाए हेडरटा सब बेले टप्रे थी है हेडर एंड फुटर जोटा अच्छे से सब टप्रे थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी कीबोर्ड सर्टकट फर कट कमांड कट करने कौन व्यवहार कराए कंट्रोल डब्ल्यू कंट्रोल जेड कंट्रोल भी कंट्रोल वाई कंट्रोल एक्स कौन कराए कीबोर्ड आपणकर कट पाई ये समस्ते जानते यहाँ बेस डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नुह यहाँ कंट्रोल एक्स कराए कंट्रोल एक्स बाकी सब आस डिस्कसन करवा कंट्रोल एक्स करदे आपणकर कट हो कंट्रोल एक्स करदे कट हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ टू इनक्रीज द लाइन स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग माने एटा लाइन गोटे अच्छी तो ये लाइन स्पेसिंग को इनक्रीज करने कौन करवा कंट्रोल एल कंट्रोल आई कंट्रोल फाइव कंट्रोल ई कंट्रोल एम तो कौन कराए कंट्रोल फाइव को टच कराए कंट्रोल फाइव लाइन स्पेसिंग देखा। नेक्स्ट सर्टकट फर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड माने केमिति एज दे आर प्रिंटेड प्रिंटेड हेले केमिति देखा जीवा फुल पेज शो करिया में कौन करा जाए को बटन को टच करा जाए को सर्टकट की को टच करा जाए एटा होची आपनकर कंट्रोल एफ टू कंट्रोल एफ टू सर्टकट फॉर डिस्प्ले द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड प्रिंटेड हवा को केमिति देखा जीवा प्रिंटेड हेले केमिति देखा जीवा फुल पेज डिस्प्ले पे कंट्रोल एफ टू को टच करा जाए प्रेस करा जाए। द सर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट सर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने कौन करा जाए क्यों कि व्यवहार कराए आईबीपीएस 2012 आसी देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं ओ ट्रिपल एससी प्रीवियस क्वेश्चन गुटाक रिपीट हुए अलग एग्जाम जो आसी थाए से रिपीट होता है तो से जानवा दरकार प्रिंट करने कंट्रोल प्लस पी को 54 क्वेश्चन करवा किता पूर्व आपड़ जदि यही चैनल टेलीग्राम चैनल जॉइन करना तेल जॉइन करूँ कि दुई मस पूर्व जो मैंने जॉइन कर से ही आगर चैनलटा डिलीट हो जाए नुआ चैनल क्रिएट कराई जहाँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देती तो आपड़ से जॉइन करूँ और प्रीवियस चैनल को आप लिप कर जातु। तो देखो एक क्वेश्चन आम करवा हुई दि सर्टकट की टू डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन डायलॉग बॉक्स मैंने डायलॉग बॉक्स को ओपन करने क्यों सर्टकट की यूज कराए तो यहाँ कंट्रोल F12 हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा 55 टू मूव टू दि बटन बटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट व्हाइल वर्किंग ऑन एमएस वर्ड व्हिच कमांड इज यूज्ड टू मूव टू दि बटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट माने आपड़ किसी कम करूँ जदि आप तलक आसवे से डॉक्यूमेंट तलक आसवे तो कौन करेंगे व्हिच कमांड इज यूज्ड कौटा यूज करेंगे होम की एंड की कंट्रोल प्लस पेज डाउन की इनसर्ट की कंट्रोल प्लस एंड की तो यार करेक्ट आंसर हो कंट्रोल प्लस पेज डाउन की को जीवे कंट्रोल प्लस पेज डाउन की। टू अंडू द लास्ट वर्क वी हैव टू यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विंडो सर्टकट की मैंने आपड़ किसी गोटे करदे आटा को पुणे सपोज डिलीट करदे आटा को पुणे आने चाहते तो कौन करेंगे कंट्रोल प्लस कौन अंडू करने कौन यूज कराए कंट्रोल प्लस आपणकर जेड कंट्रोल प्लस जेड यूज कराए। 57 क्वेश्चन देखा सर्टकट की टू गो टू दि लास्ट लाइन इन दि डॉक्यूमेंट लास्ट लाइन को जीवाई देखते आगुरी कौन करते आप बटम को जीवाई करते कि लास्ट लाइन को जीवाई कौन करवा आपणकर कौ सर्टकट की यूज करवा सर्टकट की हूँ कंट्रोल प्लस एंड करवा कंट्रोल प्लस एंड व्हिच ऑफ दि फॉलोइंग कैन बी यूज टू सिलेक्ट दि एंटायर डॉक्यूमेंट सबू डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने मैंने एंटायर डॉक्यूमेंट जहाँ भी थी पेज रे सिलेक्ट करने कौन करवा कौटा कौ सर्टकट की यूज करवा कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस ए। 59 क्वेश्चन देखा व्हाट इज दि सर्टकट की फॉर सेंटरिंग दि टेक्स्ट सिलेक्टेड बाय दि यूजर इन दि वर्ड व्हाट इज दि सर्टकट की फॉर सेंटरिंग दि टेक्स्ट मैंने जो टेक्स्ट सिलेक्टेड करटाक सेंटरिंग करने कौ कौन यूज कराए 59 क्वेश्चन अच्छे देखो 59 कंट्रोल प्लस ई कंट्रोल प्लस ई तापर देखा 60 लास्ट क्वेश्चन यही एमएस वर्ड रो तो टोटल 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम डिस्कशन कले तो आपड़ जब देखी ना एमएस वर्ड पार्ट वन देखूँ
एमएस विंडोर मध्ये दुईटा भिडियो करा जाय छी सेटा मध्ये देखंथु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंकटा पाई जिवे आपनकर प्लेलिस्ट टू ओपन ए न्यू फाइल इन एमएस वर्ड द शॉर्टकट की इज एमएस वर्ड जदि न्यू फाइल क्रिएट करिवे ताहेले केउ शॉर्टकट कीटा यूज करिवे सेटा होची कंट्रोल प्लस एन। तो आसंता काली आम एमएस एक्सेल उपर डिटेल्स डिस्कसन करवा 60 रु 80 क्वेश्चन लेकिन आसवा। तो निहाती भाव ये चैनल सहित कनेक्ट होकर रुंतु और अलग भिडियो मैंने देखूँ ओडिया ग्रामर इंग्लीश ग्रामर मैथमेटिक्स जीके।